गुड आफ्टरनून गाइस, अरविंद कौशिक मैथ्स क्लब में आपका स्वागत है। एवरेज पार्ट थ्री, इसको समझने के लिए पहले आप एवरेज पार्ट वन और एवरेज पार्ट टू देख लीजिए, वो वीडियोज अपलोड कर दी गई है पहले ही, उसके बाद आप इसको देखोगे तो ज्यादा समझ में आएगा आपको। देखिए इसमें क्या है, क्वेश्चंस की जैसे कुछ कैंडिडेट्स हैं उनका आपको एवरेज दिया हुआ है, उसके बाद कोई व्यक्ति शामिल हो जाता है या कोई छोड़कर के चला जाता है तो कम होने के बाद एवरेज क्या होगा, या अधिक व्यक्ति आए हैं तो अधिक होने के बाद एवरेज क्या होगा, या जो व्यक्ति आए हैं उसकी आयु पूछ सकता है, जो व्यक्ति गए हैं उनकी आयु का औसत पूछ सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चन इसके अंदर शामिल किए गए हैं टाइप नंबर सिक्स में। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, 36 छात्रों के समूह की औसत आयु 14 वर्ष है, शिक्षक की आयु इनमें सम्मिलित किए जाने पर औसत आयु में एक वर्ष की वृद्धि हो जाती है, शिक्षक की आयु कितनी है। द एवरेज एज ऑफ 36 कैंडिडेट्स इज 14 ईयर्स, इफ द एज ऑफ द टीचर इज एज्यूम्ड देन द एवरेज बिकम्स, एवरेज इंक्रीजेस बाय 1 ईयर, फाइंड द एज ऑफ द टीचर। देखिए आप जनरली क्या करते हो, आप करते हो कि 36 का औसत कितना हो गया 14, फिर आप इनका योगफल निकालते हो। योगफल क्या होता है, औसत गुणा संख्या, 36 की और 14 की गुणा करोगे, 36 दूनी 72 दूनी 144, 4 14 हासिल, 36 एकन 36 और 14 50। फिर आप कहते हो कि शिक्षक की आयु सम्मिलित कर ली जाती है तो कैंडिडेट कितने हो गए 37 इंटू, अब एवरेज कितना हो जाएगा ये 15, तो योगफल कितना हो जाएगा 15 सत्ते 105, 10 15 किए 45 और 10 55, इसमें से इसको घटाते हो तो शिक्षक की आयु कितनी आ जाती है 51। देखो आपने इसका आंसर कितना निकाला है 51 वर्ष, यानी ये आपका लेंथी तरीका है, क्योंकि संख्याएं बड़ी होगी तो अगर आप इस प्रोसेस से करते हैं तो इसलिए आपको लेंथी पड़ेगा ये। इसका मैं अभी आपको शॉर्टकट सिखाऊंगा, लेकिन आपको फिर यही मेरी सलाह है कि इस वीडियो को आप पूरा देखें, लास्ट टाइप टाइप 6 टाइप 7 और टाइप 8 आज मैं कवर करने जा रहा हूं, तो इनके सारे टाइप्स आप देखें, आपको लेंथी तरीका भी दिखेगा और आपको शॉर्टकट तरीका भी दिखेगा, तो आप देख सकते हैं कि आपका टाइम कहां पे बच सकता है। अब देखिए इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 36 का औसत कितना है 14, कैंडिडेट हो गए हैं 37, औसत कितना हो गया 15, इन दोनों में कितने का अंतर है एक का, इन दोनों में कितने का अंतर है एक का, प्लस वन की वृद्धि हो रही है प्लस वन, तो आप इसकी गुणा इसमें कर दीजिए और इसकी गुणा इसमें कर दीजिए, 36 गुणा एक करेंगे तो 36 गुणा एक प्लस 15 गुणा एक, तो 36 एकन 36, 15 एकन 15, 36 और 15 कितना आ जाएगा 51 वर्ष। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, एक परिवार में पिता तथा माता की औसत आयु 35 वर्ष है, पिता और माता कैंडिडेट कितने हो गए 2, इनकी औसत आयु कितनी है 35 वर्ष, पिता माता तथा उनके एकमात्र पुत्र की औसत आयु 27 वर्ष है, तो कैंडिडेट कितने हो गए गाइस 3, इनकी औसत आयु कितनी है 27, पुत्र की आयु कितनी है, तो देखो पुत्र के शामिल होने से यानी एक कैंडिडेट बढ़ा है, 35 से 27 औसत कम हो रहा है कितना -8, तो आपको बताया गया कि इसकी गुणा इसमें कर दीजिए, इसकी गुणा इसमें कर दीजिए, 2 की गुणा करोगे आप -8 में तो 2 गुणा -8 प्लस 27 गुणा 1 तो 8 दूनी 16 माइनस प्लस 27, तो आंसर कितना आ जाएगा 11, यानी पुत्र की आयु कितनी है 11 वर्ष। 40 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है, 40 कैंडिडेट हैं, औसत आयु 15 वर्ष है, 10 नए विद्यार्थियों के प्रवेश लेने के उपरांत, तो 10 कैंडिडेट नए आ गए हैं तो कैंडिडेट कितने हो गए हैं 50, औसत आयु में 0.2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, 0.2 वर्ष की वृद्धि हो रही है तो कितना हो जाएगा गाइस 15.2, कितने की वृद्धि हुई है 0.2, तो प्लस 0.2, कमी होगी तो माइनस में, वृद्धि होगी तो प्लस में, इसकी गुणा इसमें करोगे, इसकी गुणा इसमें करोगे, 40 गुणा 0.2 प्लस 10 गुणा 15.2, इनकी गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा ये 8 प्लस 152 यानी 160, ये योगफल आया कितने कैंडिडेट्स का 10 का, और इसने पूछा है नए
विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है, तो औसत निकालना है, तो औसत क्या होता है, योग बटे संख्या, तो 160 को आप 10 से भाग करेंगे तो औसत कितना आ जाएगा, 16। नेक्स्ट टाइप नंबर 7। देखिए टाइप नंबर 7 जो आपके क्वेश्चन है इसके अंदर, उसमें इस तरह के क्वेश्चन है कि एक बंदा बाहर चला जाता है तो उसकी वजह से औसत में कितने किलोग्राम की कमी हो जाती है या वृद्धि हो जाती है। तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए आपको यहाँ पे केवल एंड केवल शॉर्टकट्स मिलेंगे, लॉन्गकट है ही नहीं। देखिए 5 व्यक्तियों में से 60 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति आने से इनके औसत भार में 1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। देखो इस लाइन पे फोकस कीजिए, 1 किलोग्राम की वृद्धि हो रही है औसत में, तो इसका मतलब क्या है कि जो आने वाला व्यक्ति है वो पुराने वाले व्यक्ति से भारी होगा या हल्का होगा। देखो जब वृद्धि हो रही है तो सीधी सी बात है उसका वजन पहले वाले से ज्यादा होगा। अब कितना ज्यादा होगा ये हमें पता करना है, नए व्यक्ति का भार कितना है, नए व्यक्ति का वजन निकालना है हमें। तो देखिए 1 किलोग्राम की वृद्धि हो रही है औसत में, टोटल कैंडिडेट कितने हैं, 5, तो इसलिए योगफल में कितने की वृद्धि हो जाएगी, आपको ये सूत्र लिखवा रखा है पार्ट 1 देखेंगे आपकी, योग बराबर क्या होता है, औसत गुणा संख्या। योग बराबर औसत गुणा संख्या, तो औसत में 1 की वृद्धि हो रही है, संख्या है 5, तो योगफल में कितने की वृद्धि हो जाएगी, 5 किलोग्राम की। तो पहले वाले का वजन कितना है, 60 किलोग्राम, तो उसमें 5 की वृद्धि कर दीजिए तो नए लड़के का वजन कितना आ जाएगा, 65 किलोग्राम। सेम इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन है, लड़कों के एक समूह में से एक लड़का चला जाता है तथा 56 किलोग्राम भार वाला नया लड़का समूह में सम्मिलित हो जाता है। इसका मतलब जो नया लड़का है इस बार इसने क्वेश्चन देखो थोड़ा सा चेंज कर दिया है, नए लड़के का जो आने वाला लड़का है उसका वजन दिया है और पुराने वाले लड़के का वजन पूछा गया है। नया लड़का समूह में सम्मिलित हो गया, इससे समूह के औसत भार में 2.5 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। इसका मतलब जो नया लड़का आया है वो पहले से भारी है, तो पुराने वाला क्या होगा, हल्का होगा। कितना हल्का होगा वो देखना है, तो योग में कितने की वृद्धि हुई होगी, योग बराबर औसत गुणा संख्या कितनी है, 8 लड़के, 8 कैंडिडेट हैं, तो 2.5 × 8 यानी आ जाएगा 20 किलोग्राम। तो इसका मतलब जो नया लड़का है वो पुराने वाले से 20 किलोग्राम भारी है, तो पुराने वाला क्या होगा, इससे हल्का होगा, तो 56 में से 20 किलोग्राम घटा दीजिए तो पुराने वाले लड़के का वजन कितना आ जाएगा, 36 किलोग्राम। 8 पुरुषों में से 2 पुरुष की आयु क्रमशः 21 वर्ष, देखो अभी पहले और दूसरे जो दोनों क्वेश्चन थे उसमें एक लड़का बाहर जा रहा था दूसरा अंदर आ रहा था, इसमें क्या है कि 2 लड़के बाहर जा रहे हैं और 2 अंदर आ रहे हैं। 8 पुरुषों में से 2 पुरुषों की आयु क्रमशः 21 वर्ष तथा 23 वर्ष, यानी टोटल कितना हो गया ये 44 वर्ष, इनके स्थान पर 2 नए पुरुषों को लेने पर इनकी औसत आयु में 2 वर्ष की वृद्धि हो रही है। तो वृद्धि हो रही है तो इसका मतलब जो 2 नए बंदे आए हैं उनकी आयु क्या होगी, पहले वालों से अधिक होगी। अब कितनी अधिक होगी यानी योग में कितने की वृद्धि होगी, तो योग बराबर औसत गुणा संख्या, औसत में कितने की वृद्धि हो रही है, 2 की, संख्या कितनी है 8, तो योगफल में कितने की वृद्धि हो जाएगी, 16। तो नया योग यानी मान लेते हैं 2 कैंडिडेट जो नए आ रहे हैं उनका नाम है ए और बी, तो उनका योगफल कितना हो जाएगा, 44 प्लस 16 यानी 60 वर्ष, और इनका हमें औसत ज्ञात करना है, तो औसत क्या होता है, योग बटे संख्या यानी 60/2 यानी 30 वर्ष, तो उत्तर आ जाएगा 30 वर्ष। इसी टाइप का देखिए फोर्थ क्वेश्चन, एक क्रिकेट टीम के 2 खिलाड़ियों की आयु क्रमशः 18 वर्ष और 20 वर्ष है, इनके स्थान पर 2 नए खिलाड़ी लेने से, तो इनके स्थान पर यानी कितना कम होगा गाइस, 18 प्लस 20 यानी 38 वर्ष कम होगा। इनके स्थान पर 2 नए खिलाड़ी लेने से क्रिकेट टीम की औसत आयु में 2 माह की वृद्धि हो जाती है, तो इनकी जगह 2 नए बंदे आने से औसत में 2 माह की वृद्धि हो रही है। इसका मतलब जो 2 नए कैंडिडेट आएंगे उनकी आयु इनसे अधिक होगी। देखो यहां पे वृद्धि हो रही है तो अधिक होगी, अगर यहां पे कमी होती तो इनसे कम होती।
तो दो माह की वृद्धि हो रही है औसत में, तो योग में कितने की वृद्धि हो जाएगी? योग बराबर औसत गुणा संख्या, संख्या क्रिकेट टीम में गए कितने खिलाड़ी होते हैं? 11। इसका मतलब योगफल कितना हो जाएगा? 22 माह से बढ़ जाएगा। तो नए बंदों का योगफल कितना हो जाएगा? ए प्लस बी बराबर 38 वर्ष और 22 माह, 38 वर्ष 22 माह। और हमें औसत निकालना है, तो औसत क्या होगा? योग बटे संख्या, यानी इसको दो से भाग कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 19 वर्ष 11 माह। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा गाइस 19 वर्ष और 11 माह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन। 20 लड़कों के एक समूह के औसत भार की गणना 89.4 किलोग्राम की गई। देखो गाइस, आप कैसे करोगे इसको कि 20 लड़के हैं, उनका औसत भार 89.4 किलोग्राम है, तो यहां से इनका योगफल निकालोगे पहले आप, कितना आ जाएगा? जीरो पॉइंट कट जाएगा, दो चुके 8, दो नौ 18 का 8 का हासिल 1, दो 8 16 और 1 1788। फिर इसने कहा है, बाद में ज्ञात हुआ कि एक लड़के के 87 किलोग्राम भार के स्थान पर 78 किलोग्राम पढ़ा गया, यानी 87 पढ़ना था लेकिन गलती से पढ़ा कितना गया है? 78। तो 87 में और 78 में कितने का अंतर है? 9 का, यानी 9 किलोग्राम कम पढ़ा गया है, तो वास्तविक औसत कितना होना चाहिए? इसमें 9 जोड़ना पड़ेगा, तो ये कितना आ जाएगा? 1797। और फिर आप इसका औसत निकालोगे, तो 1797 को 20 से भाग करोगे, 2 8 16 1 89.2 8 16 1 2 9 18 1 2 8 16 1 2 5 10, 10 से भाग कर दिया इसको, तो कितना आ जाएगा? 89.85। अब ये तो आपका हो गया लेंथी तरीका। अब इसको अगर आपको शॉर्टकट तरीके से देखना है, तो देखिए यहां पे कि 87 के स्थान पे कितना पढ़ा गया है? 78, यानी 9 कम पढ़ा गया है, तो 9 आपको बढ़ाना है, तो इसलिए औसत कितने से बढ़ेगा ये देख लीजिए आप। औसत कितने से बढ़ेगा? तो औसत क्या होता है? योग में 9 की वृद्धि करनी है। टोटल कैंडिडेट कितने हैं? 20, तो 9 को 20 से भाग कर दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा? 0.45। तो 89.4 में आप डायरेक्ट 0.45 बढ़ा दीजिए, तो ये आ जाएगा 89.85। तो अगर आप तरीके से करते हो, तो लेंथी तरीका ये है, शॉर्टकट तरीका ये है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, पचास संख्याओं का औसत 36 ज्ञात किया गया, बाद में पता चला कि एक संख्या 48 के स्थान पर 23 ले ली गई है, तो 48 की जगह 23 लिया गया, यानी हमने क्या लिया है? 25 कम लिया है, तो इसका मतलब योगफल 25 से बढ़ाना पड़ेगा, योगफल बढ़ाना पड़ेगा, यानी औसत बढ़ाना पड़ेगा, तो औसत में कितने की वृद्धि हो जाएगी? तो औसत बराबर योगफल 25 से बढ़ाना है, और संख्या कितनी है? 50, यानी 0.5, तो औसत आपको 0.5 से बढ़ाना पड़ेगा, तो 36 में 0.5 ऐड कर देंगे, तो नया औसत कितना आ जाएगा? 36.5। नेक्स्ट टाइप नंबर 8, टाइप नंबर 8 गाइस है आपकी क्रिकेट संबंधित प्रश्नों से। जैसे इसमें दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी बल्लेबाज ने 12वीं पारी में 63 रन बनाए, जिससे उसके रनों के औसत में 2 रन की वृद्धि हो जाती है। तो 12वीं पारी में 63 रन बनाए हैं, तो 12 पारी से पहले कितनी पारियां खेली है उसने? 11। तो इसका मतलब 11 पारियों का औसत हम मान लेते हैं कितना है? x। उसके बाद अब 12वीं पारी वो खेल रहा है, तो उसके औसत में 2 रन की वृद्धि हो जाती है, यानी ये हो गया x प्लस 2। तो गाइस, आपको पहले भी बताया था इस तरह का मेथड कि 11 से 12 हो रही है, तो ये कितने की वृद्धि हो रही है? 1 की। यहाँ पे औसत में कितने की वृद्धि हो रही है? 2 की। तो इसकी गुणा आप इसमें करते हो, इसकी गुणा इसमें करते हो, तो ये कितना आएगा? 11 दुनी 22 प्लस x प्लस 2 की गुणा 1 में करोगे,
तो x प्लस दो, तो ये आपको पता चलेगा कि इससे इस पारी में कितने रन उसने बनाए हैं और कितने रन बनाए उसने, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है 63। अब इसने कहा है बारहवीं पारी के बाद उसके रनों का औसत, तो बारहवीं पारी के बाद औसत यानी x प्लस टू का मान आपको निकालना है, तो यहां से x प्लस टू का मान कितना आ जाएगा, 63 माइनस 22 41। देखो अगर बारहवीं पारी के बाद का औसत पूछा है तो आपको x प्लस टू का मान ज्ञात करना है, अगर ये पूछता ग्यारहवीं पारी के बाद का औसत तो आप यहां से x का मान ज्ञात करते। क्वेश्चन है आपका एक व्यक्ति का गेंदबाजी औसत 12.4 है, ये बल्लेबाज से रिलेटेड है और ये गेंदबाज से रिलेटेड है। देखो बल्लेबाज का औसत कैसे निकलता है, उसने कितने रन बनाए हैं और कितने, बल्लेबाज का औसत कैसे निकलता है, उसने कितने रन बनाए और कितने मैचेस खेले हैं, ठीक है, जिस मैच में वो नॉट आउट रहता है उस मैच को जब डिवाइड करते हैं उस वक्त नहीं गिना जाता है। मान लीजिए एक अलग से जानकारी है, क्वेश्चन से हटके है, कि अगर एक बल्लेबाज ने मान लीजिए पहली पारी में 100 रन बनाए, दूसरी पारी में 150 बनाए, तीसरी में 200 बनाए और इसमें वो नॉट आउट रहा है, तो अगर मुझे इसका औसत निकालना है तो क्या करेंगे, 200 150 प्लस 100 कितना हो जाएगा, 200 और 150 350 और 100 450। तो औसत निकालने के लिए आप मेनली क्या करते हो, 3 से डिवाइड करते हो, लेकिन जिस पारी में वो नॉट आउट रहता है उसको डिवाइड करते वक्त काउंट नहीं करना है, योगफल में तो गिना जाएगा लेकिन नीचे जब डिवाइड करते हो उस टाइम पे नहीं गिनना है, तो डिवाइड कितने से करोगे, केवल 2 से, तो इसका औसत क्या आएगा गाइस, 225। अब नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, बल्लेबाज का औसत कैसे निकलता है, बल्लेबाज का औसत निकलता है उसने कितने रन दिए हैं और कितने विकेट लिए हैं, मैच कितने खेले हैं उससे उसका कोई मतलब नहीं है, कितने रन दिए और कितने विकेट लिए। अब इसने कहा है एक व्यक्ति का गेंदबाजी औसत 12.4 है, यदि वर्तमान मैच में उसने 26 रन देकर 5 विकेट लिए हो, तो मान लेते हैं पहले उसके विकेटों की संख्या एक्स थी तो उसका औसत कितना था 12.4, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया विकेट और रन इनसे मतलब है, तो इसीलिए मैंने विकेट माने हैं, विकेट उसने पहले एक्स लिए, औसत कितना था 12.4, 26 रन देकर 5 विकेट लिए हैं तो विकेट कितने बढ़ गए, 5, औसत 12 हो जाता है, कितने की कमी हो रही है औसत में, 0.4 की कमी यानी -0.4, यहां पे मैच विकेट कितने बढ़ गए, 5, तो इसकी गुणा आप इसमें करते हो, इसकी गुणा इसमें करते हो, तो ये कितना आएगा, 0.04x, 12 बजे 60, और कितने रन दिए हुए हैं ये क्वेश्चन में इसने दिया हुआ है 26, तो ये बराबर 26 रख देंगे यहां से, -0.4x बराबर 60 उधर जाएगा, तो 26 माइनस 60 कितना आएगा, ये 34 माइनस में, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो x बराबर 34/0.4, पॉइंट हटाओगे जीरो लगाओगे 4 से भाग करोगे, 4 8 32, 2 4 5 20, तो गाइस ये 85 क्या आया है, ये पहले के विकेट हैं, लेकिन उसने पूछा है अब उसके कुल विकेट कितने हैं, तो 85 प्लस 5 और लिए हैं तो टोटल 90। गाइस ये हमारी ट्रिक्स, हमारी वीडियोज आपको कैसी लगी अपने कमेंट दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज को लाइक कीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स को व्हाट्सएप पे फेसबुक पे इसको शेयर कीजिए। नोट, अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं, आप औसत का चैप्टर बना रहे हो, कोई भी टॉपिक्स आप घर पे पढ़ रहे हो, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है तो आप अपने क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए, मैं उसका वीडियो बना करके नेक्स्ट डे आपको अरविंद कौशिक मैथ्स क्लब फेसबुक के पेज पर अपलोड कर दूंगा। धन्यवाद।